नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त तीन और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुल्लू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के पीछे जो वजह थी जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों के जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, सॉरी 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फोन पर वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5ों ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5ों जो नवयुवक जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5ों वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढेंचा होता है, ढेंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटनास्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पर जो खून के दाग हैं धब्बे हैं वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीज़ें जब्त की हैं वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने, इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है, 4 मोबाइल फ़ोन हैं जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं वो हम लोगों ने जब्त किए हैं, और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।